ऐसी कौन सी जगह है जो बनाता तो आदमी है लेकिन वहाँ जा नहीं सकता है? सर जी, महिला शौचालय। बेटा कल्लू, जिसको सुनाई नहीं देता है उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? सर कुछ भी कह दो, साले को सुनाई थोड़ी। ए सिमरन, कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो? ए सिमरन, कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो? तुम गीत हो, संगीत हो, मनमीत हो, गुरप्रीत हो, हरप्रीत हो, अरे कैसे बताऊं तुम मेरे लिए क्या हो? अरे निकालो इसको। तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो। थैंक यू। एकदम पारी की जैसी दिख रही हो। माय गॉड, तुम कितने स्वीट हो जानू। अच्छा अभी तुम क्या कर रहे हो? मजाक। अपना फंडा क्लियर है भाई, अपना फंडा क्लियर है। मैं कहा एक मिनट सुन, दो घंटे में तू सेट हो नहीं रही है, और बादल बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये मुस्कान की चमकान कहीं और। अति सुंदर, तो सुंदर लड़की को ना समझ में आता नहीं है, तो आई बिल्कुल ऐसे आती हूँ विंडो सीट की, हाय कैन आई एक्सचेंज द सीट प्लीज, कैन सिट ऑन द आइल साइड। मैं कहा नहीं। जोगानंद महाराज की माँ की जय। मत डरो, भड़कने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बाबा अपनी माँ की बहुत इज्जत करते हैं। काजल, तुम सिर्फ मेरी हो और तुमसे जुड़ी हर एक चीज मेरी है। जैसे मैं, जैसे तेरी फुआ की बेटी, तेरी मौसी की बेटी। परो बाहर निकल, अपने बाप का खून पिया दो। देवदास, इतनी रात को तुम यहाँ? इतनी रात को तो ऐसे बोल रही जैसे पहले कभी आए नहीं रात में मिलने में। तू शादी के वास्ते हाँ बोल रही है क्या नहीं बोल रही? अच्छा पहले मुझे ये बता, तू मेरे से कितना प्यार करता है? अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है। मैं तू मेरे लिए चांद तोड़ के लाएगा बोल तो? अब तो बावली करवा चौथ तेरा बाप का टकला देख के। मेडिकल स्टोर में जाओगे तो कैसे प्रोटेक्शन मांगोगे? ये ऐसी बात कर गया जिसको सुन के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तुम बताओगे या मैं बताऊं? तुम ही बताओगे। मेरे शहजादे के लिए शेरवानियां दिखाओ। तेरे रस के कमर अरे भाई साहब बहुत ही शिद्दत से लिखा, गंदी राइटिंग में है लेकिन बहुत ही बढ़िया लिखा। ये तुमने लिखा है? एटीएम से पैसे निकालकर वहीं गिरने वाले लोगों से एक सवाल, मान लो पैसे कम निकले तो क्या उखाड़ लोगे तुम लोग? वैसे तो मैं हमेशा बिजी ही रहती हूँ, मेरी एक टांग दिल्ली में तो दूसरी टांग पंजाब में होती है। माँ कसम, हरियाणा वालों को तो मजा आ जाता होगा। ओए बाबे, कुछ समझ नहीं आया। माँ एक दिन समझा दूंगा, ध्यान दे उधर। तो इसमें रोने क्या बात है, धोखे बोल दिया। 3 महीना हो गया महा मंत्री बने हुए, सब मंत्री बुलाते हैं। अरे हमको 20 साल हो गए महाराज बने हुए, कौन महाराज बुलाता है? इनसे नाम पूछ लो, क्या नाम हमारा? बदरू। देख लो क्या जानू। हाँ जानू, जब मैं कॉलेज की दुर्ग फैली तब भी तुम मेरे साथ थे। हाँ। जब मेरा हार्ट तब भी तुम मेरे साथ थे। हाँ। मेरे साथ जितना बुरा हुआ सब में तुम मेरे साथ थे। हाँ जानू, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। चल तू ही मेरे लिए परौती। अच्छा, इस देश में हर एक पत्नी पति को एक धमकी जरूर देती है, मैं तो बच्चों की वजह से टिकी हुई हूँ, वरना कब की निकल जाती। अब मैंने अपनी लुगाई से कहा, मैंने देख सारे बच्चे ब्याली, अब तो निकल ले। लेकिन पकवान ज्यादा खाने नहीं चाहिए। काहे कौन खुशी में नहीं खाने चाहिए? पेट वेट खराब हो जाता है, दिक्कत हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं होता। कैसे नहीं होता है? नहीं होता है तो नहीं होता है। काहे तुम्हें कहीं नहीं होता। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादरचोद के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़े। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। आलू डालो, उस साइड से सोना निकालो। ये बहनचोद सारे मिलके हमको पागल बना रहे, मादरचोद के बच्चे इतने गांड फटी के ये बड़े।